आज आशुले का दिन है। ये फैन बड़ा बंद कर दिया। छुट्टी का दिन है यार। फैन बंद कर दिया। और बस बाहर ही कर दिया। ऊपर का मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ कि आप सब हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और हमें उम्मीद है कि आप हमारी जो बातें उसको सही तरीके से लिखेंगे। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ने मुंबई महाराष्ट्र में मिशन मुंबई शुरू किया है इलेक्शन को लेकर। इसका जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और बंगाल वेस्ट बंगाल ने बहुत अच्छा काम किया। इस संविधान को बचाने में सबसे आगे समाजवादी पार्टी खड़ी रही। देश को बचाना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वसूलों पर लोगों ने वोटिंग किया और समाजवादी पार्टी के 37 सीटें जीत कर आई, जिससे समाजवादी पार्टी में एक्सेप्शन का माहौल है और अब हम देश की तीसरी पार्टी बन चुके हैं। हेलो, मैं अपनी समाजवादी पार्टी को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नेशनल पार्टी बनाने का संकल्प। तो आप ये इलेक्शन महाराष्ट्र का है और मिशन महाराष्ट्र शुरू किया गया है। हमारे 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद हैं। माइक में बोलने जा रहे हैं पहले पांच भाई आप 37 आप वो उन सबको हम मुंबई बुला रहे हैं। 19 जुलाई शाम 4 बजे रंग शारदा में उनका कार्यक्रम होगा। रंग शारदा में उनका कार्यक्रम होगा। उसके पहले हम लोग उनको जो है मनी भवन ले जाना चाहते हैं। सब लोग बहुत उत्सुक है मनी भवन जाना चाहते हैं जहाँ गांधी जी ने बहुत समय बिताया। उसके बाद वहाँ से चैत्य भूमि जाएंगे। चैत्य भूमि पे फिर सामने शिवाजी महाराज का पुतला है शिवाजी पार्क में, उस पुतले पर वो हाथ चढ़ाएंगे। फिर वहाँ से अगर हो सका तो सिद्धि विनायक मंदिर भी हमारे जो चुन कराए हुए अयोध्या से सांसद हैं उदय प्रसाद जी, वो भी वहाँ जाना चाहते हैं। तो ये कार्यक्रम करते हुए हम लोग पहुँचेंगे सीधा सिद्धि विनायक से रंग शारदा पहुँचेंगे। रंग शारदा में इनका कार्यक्रम तो स्वागत कार्यक्रम होगा। ये आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो इसको अच्छी तरह से कवर करें। इसीलिए आज हम लोगों ने आपको तकलीफ दिया है। हमारे सांसद आएंगे यहाँ पर और यहाँ की जनता को आह्वान करेंगे कि हमें इस देश के संविधान को बचाना ज़रूरी है। संविधान रहेगा तो देश रहेगा। लड़ेगी महा का विकास अकाली और जीतेगी महा का विकास अकाली, ये हमारी कोशिश होगी। अभी हम लोग महा विकास अकाली में हैं, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। जी अबू भाई, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ से सांसद आते हैं, 48 सांसद आते हैं, और महाराष्ट्र विधानसभा समाजवादी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है 37 सांसदों को यहाँ उतार करके, क्या आप लोग मिशन महाराष्ट्र को फतेह करने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ पर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की कोशिश करेंगे या जो भी है उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये महाराष्ट्र जो है ना समाजवादियों का गढ़ रहा है। बड़े बड़े समाजवादी नेता महाराष्ट्र में पैदा हुए और अब फिर से हम समाजवादी सोच विचार को, डॉक्टर गांधी के सोच विचार को यहाँ कायम करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुन कर आएँ। हमारा मकसद यही है, इसीलिए हम ला रहे हैं इनको कि आकर ये लोग किस तरह से लड़े हैं इलेक्शन, क्या इनके मुद्दे रहे हैं, सबको सब कार्यकर्ताओं से बात होगी, जनता से बात होगी, आपसे बात होगी और ये मिशन शुरू करके हम लोग महाराष्ट्र से फिरका परस्ती को खत्म करना है और महाराष्ट्र में समाजवाद लाने की कोशिश करनी है। तीन मुख्य पक्ष आहे, तुम्ही सहकारी पक्ष आहात, आता जागा वाटपावरून भांडण सुरू झालेले किंवा वाद असल्याचं दिसून येत आहे, तुम्हाला किती जागा अपेक्षित आहे आणि त्या जागा तुम्हाला मिळतील असा विश्वास आहे? जागा ज्यादा कम पे कोई सवाल नहीं है, हम बात कर रहे हैं।
परंतु हमारी ये कोशिश होगी कि वोटों का बिखराव ना हो। देखिए हम यहाँ सीट लेने वाले हैं, देने वाले नहीं, उत्तर प्रदेश में हम देने वाले हैं, यहाँ लेने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश की सिचुएशन और थी, यहाँ भी और है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने लिस्ट पूरी दे दिया है, अब वो लिस्ट है, अब उसके बारे में क्या कहूँ आपको। लेकिन मेरी ये कोशिश होगी कि जिस तरह से यूपी में इंडिया अलायंस एकजुट होकर के उसने हराया है, इसी तरह से महाराष्ट्र में तमाम नेताओं को सर जोड़ कर बैठना चाहिए और सीट नहीं करना चाहिए। हम जितनी भी सीटें हम लेंगे, हम जीतेंगे तो हम किसके साथ जाएंगे? हम महाविकास अघाड़ी में रहेंगे, हम सांप्रदायिक लोगों के साथ तो जा नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है अभी तक सीटों के बंटवारे पर हमारे यहाँ कोई बात नहीं हुई है। बात अखिलेश जी ने वहाँ दिया है, उनके अध्यक्ष को दिया है, जब जरूरत पड़ेगी बुलाएंगे, अखिलेश जी बोलेंगे तो मैं जाके बात करूँगा। सम्मानजनक सीटें अगर नहीं मिलती हैं, जैसा सम्मानजनक सीटों की आप लगातार बात कर रहे हैं, अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो भी सांसद 37 सांसदों को अगर आप उतारेंगे तो 37 विधानसभा कम से कम टारगेट करने की कोशिश रहेगी आप लोगों की। लेकिन अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो समाजवाद महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी का क्या सितम करोगे? सितम करेंगे, कर्म करोगे, कर्म करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। देखिए ना, उम्मीद भी कुछ है, उम्मीद में जिंदा रहना चाहिए और अभी हमें उम्मीद है। और चूंकि अब जो है, इसके पहले कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का देश में अलायंस बहुत कम हुआ। नेताजी थे, नेताजी कहते थे कि ठीक है हमारा अलायंस कांग्रेस से नहीं होगा, लेकिन आप महाराष्ट्र में यहाँ की जनता के लिए जो अच्छा है हम लोग आपको पूरी छूट देते हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि कांग्रेस से, एनसीपी से, इन जो है इनकी जो है शिवसेना, इन सबसे अलायंस है और अखिलेश जी के लेवल पर बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि अलायंस होना चाहिए। अब नहीं होगा, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो नाम अभी क्यों रख दूँ मैं? नहीं होगा तो देखता हूँ क्या करना है। जो 48 सीटें महाराष्ट्र में, उनमें से कितनी सीट आपको अपेक्षित है और महाराष्ट्र में कहाँ का आपका प्राबल्य है समाजवादी पार्टी? देखिए ऐसा है ना, कुछ जगह ऐसी है जो मैं लड़ूं, मैं और कांग्रेस दोनों लड़े तो दोनों हारने वाले हैं। कांग्रेस मैं शरद पवार जी अब उससे लड़ेंगे, इसलिए हमने ऐसी सीटें चुना है जहाँ हम लोग मिल करके सीटें जीत सकते हैं। वो सीटें इन सांप्रदायिक लोगों को नहीं जाए, मैंने चिन्हित किया, लेकिन अभी मैं उसका ऐलान नहीं कर सकता हूँ। एक बार अखिलेश जी मुझे बोलेंगे तो मैं ऐलान करूँगा। महाविकास आघाड़ी के जो सहयोगी दल है उनमें से एक जो कपिल पाटिल रहे हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में ही ये कहा है कि महाविकास आघाड़ी जो छोटी पार्टियां है उनके जो सहयोगी दल है ऐसी छोटी पार्टियों को खत्म करती जा रही है। ऐसा ही कुछ बयान जो है वो जयंत पाटिल जो अभी विधान परिषद की चुनाव को हारे हैं उनकी तरफ से भी आया है। और जो बहुजन प्रकाश अम्बेडकर जी की जो पार्टी है वो तो पहले वंचित पहले से ही कह रही है कि वो इस बार महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं रहेगी। तो जो छोटे छोटे दल है वो महाविकास आघाड़ी से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में लगता है कि आपके साथ न्याय हो पाएगा? मैं कहाँ छोटी पार्टी, मैं तो देश की तीसरी पार्टी हूँ। मैं तो अपने आप को, मेरा तो टेम्पो हाई है, मैं समझता हूँ मैं देश की बड़ी पार्टी हूँ और मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते। अन्याय करेंगे तो सोचना पड़ेगा। दो लड़कों की जोड़ी का करिश्मा महाराष्ट्र में होगा लगता है? हाँ होगा, पक्का होगा, पक्का होगा। बातें ये भी है महाविकास आपकी बोल रहे हैं, यहाँ भी दो लड़के हैं ना, एक ये रईस है, मैं हूँ, मैं लड़का, दो लड़के ही हूँ ना। अभी मेरी उम्र कितनी है? आप जवान रईस में शक है? वो लड़के वहाँ से करेंगे, यहाँ दो लड़के लड़ेंगे। महाविकास आघाड़ी जिस तरह से महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में गई, सहयोगी दलों का वोट उनको नहीं मिला ऐसा उनका कहना है, कांग्रेस के तो 6 लोग का नहीं मिला, जो छोटी पार्टियां थी उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया जयंत पाटिल। अरे वो आपको ऐसे उनका सपना है, वो हमने सपोर्ट किया। शरद पवार जी ने भी ये बात कही कांग्रेस अपनी रणनीति की वजह से उसे जो है विधान परिषद चुनाव में जो मेरी रणनीति थी उसके हिसाब से नहीं है। आप क्या कहें? नहीं कहीं ना कहीं गलतियाँ तो हुई हैं, जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया किया है, लेकिन अभी उनको संभाल के लेना चाहिए, समझाना चाहिए कि ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। सर
महाराष्ट्र में फिलहाल प्रदर्शन हुए चुनाव के परिणाम अरे बताया ना मैंने, बिल्कुल इसीलिए तो कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं, बुरका वजूद थोड़ी कर रहे हैं, ओपनली कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो जो इलेक्शन होगा उसका फायदा लेने के लिए उनकी उनकी नीतियां हैं दिखाने के लिए बुला रहे हैं। एक सवाल यह है कि महाराष्ट्रात सध्या प्रतापगडचं जे अतिक्रमण आहे वो मुद्दा बहुत गुंजता नजर आ रहा है, इसी को लेकर इम्तियाज जलील जो 19 तारीख को पूरे स्टेट में एक मोर्चा निकालने जा रहे हैं जहां पर पूरे मुस्लिम समुदाय जो है उनको इकट्ठा करने की उनकी कोशिश है, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा कहना है कि देखिए बहुत जगह पे इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है और यहाँ हमारे मुंबई में, मुंबई देश की राजधानी है, इंटरनेशनल सिटी है, फुटपाथ के लिए झोपड़े बना लेते हैं और बनाने के बाद जब कोई रूल आता है तो 2011 तक लीगलाइज करके उनको घर दे दिया जाता है। देश में लोग गरीब हैं, परेशान हैं, घर नहीं है, लोगों के पास छत नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिस देश में 80 करोड़ लोगों को अगर राशन नहीं दिया जाए तो खाना नहीं मिलेगा, उस देश में अगर किसी ने कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इतनी ज़्यादा उनके साथ बेरहमी से तोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल कानून है तो बिल्कुल उसको डिमोलिश हो सकता है लेकिन एक रहम का ही पैमाना होता है और उनको उसमें वहाँ पर उनको इन लोगों इश्ते भी मिला हुआ है, कुछ को इश्ते नहीं मिला हुआ है लेकिन वहाँ की जनता ने वहाँ के जो एग्रेसिव जो है कट्टरपंथी लोग, मैं उसको हिंदू नहीं कहना चाहता हूँ, वो हिंदू होते तो कट्टरपंथी होने नहीं चाहिए, उनको हिंदू धर्म ये सिखाया नहीं गया है, वो लोग जो हैं जा कर के नीचे खड़े थे, कई हज़ारों नीचे खड़े थे प्रोटेस्ट करना वहाँ पे जो वो राज्य वो लोग उनके नेतृत्व में वहाँ हो रहा था कि वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे कि उनको हटाया जाए, ठीक है प्रोटेस्ट कर सकते हैं आप कानून को दायर करेंगे लेकिन उसमें से कुछ लोग ऊपर चढ़ गए और जा करके वहाँ पथराव शुरू कर दिया, उन्होंने पथराव हुआ तो वहाँ से कुछ पथरा हुआ उसमें कई लोगों को चोट भी लगी है, उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने हटाया वहाँ से लेकिन कुछ लोग वहाँ से भाग के चले गए, गाजा क्या जगह है वहाँ पे के, वहाँ पर जाने के बाद 3 किलोमीटर दूर है उस मस्जिद में घुस करके जिस तरह से उन्होंने मस्जिद को तोड़ा है मैं समझता हूँ हमारा खून खोल रहा है, हम जीते जी इसको बर्दाश्त कर रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है। कुरान शरीफ को जलाया जाता है, फाड़ा जाता है और थोड़ा लेके 3 दहाड़े में आदमी चढ़ करके पूरी गुंडागर्दी से दादागिरी से उसका मीनार तोड़ रहा है और सब देख रहे हैं। एक बार बाबरी मस्जिद पे हुआ था, अभी इसी तरह से ये हुआ है, मतलब मैं समझता हूँ ये बहुत ही अफसोसजनक बात है, अफसोस है हम लोग इस ऐसी हुकूमत में हैं जो हुकूमत से कुछ नहीं कर रही है। मैं कह दूँ आपको कि जब कहीं माइनॉरिटी मुसलमान कहीं पत्थर चलाता है तो उस पर 307 होता है, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन अगर वो लोग पत्थर चलाते हैं तो उन पर 307 होता है, उन पर 153A होता है और उसका सेंक्शन मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, सेंक्शन नहीं मिलता वो लोग छूट जाते हैं, ये जानबूझ के हो रहा है देश में और अभी जो हुआ है दुनिया देख रही है किस तरह से तोड़ा गया है, मैं उसकी खुली निंदा करता हूँ। जो भी हम सब समाज के लोग मिलकर के सरकार पर दबाव डालेंगे, हमारा पहले से कहना है कि टेररिज्म का कानून लगाया जाए, यदि कोई रिलीजन के खिलाफ कोई कुछ करता है मस्जिद पे हो या मंदिर पे हो, प्रॉफिट पे हो, छत्रपति शिवाजी महाराज पे, देवी देवताओं पे हो, रामायण पे हो, किसी ने अपमानित किया तो उसको टेररिज्म के कानून में लगाइए, महाराष्ट्र का 70-80% लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा और किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी काम करने की। एक सवाल ये है कि अखिलेश यादव उस दिन मीटिंग आप लोगों के साथ किए, क्या प्रमुख मुद्दे थे खास करके महाराष्ट्र के लिहाज से, क्योंकि अखिलेश यादव की नज़र महाराष्ट्र पर है, उनका आना यहाँ मीटिंग करना और संगठनात्मक तौर पर मजबूती के बाद 37 सांसदों को यहाँ पर भेजना, किस तरीके की मीटिंग और क्या प्रारूप तय हुआ समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र में? कुछ चीज़ें ऐसी हम बताना नहीं चाहते, बाकी चीज़ें आए थे आप लोगों, उन्होंने कहा कि बढ़ो आगे बढ़ो और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की इतनी ताकत लाओ कि सरकार तुम्हारे बगल न बने। देखिए ऐसा है कि आज भी या पिछले 2022 के इलेक्शन में भी समाजवादी पार्टी चुन के आई गई थी, कुछ सीटें जो है इन लोगों ने बेईमानी करके वहाँ के अधिकारियों को इस्तेमाल करके वोटिंग स्लो करके लाइट बंद करके और गिनती में करके उन्होंने प्रॉब्लम कर दिया और हमारे दावा है
कि अगर 1-to-1 फाइट यूपी में भी होगा या कहीं भी होगा तो समाजवादी पार्टी पक्का चुन कर आने वाली है। लेकिन ये क्या करते हैं, कुछ लोग खड़ा करके वोट कटवाते हैं और अधिकारियों की मदद से किसी न किसी तरह से वोटिंग रुकवाना और गिनती में गड़बड़ करना। मैं उन सब चीज़ों पर हम लोग बिल्कुल अभी मच चुके हैं और हम पीडीए को लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ पीडीए पीड़ित लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, समाज के दबे कुचलों का इशू लेकर के जो यूपी में पीडीए चला था वही पीडीए आप यहाँ भी चलेगा, पूरे देश में चलेगा। कागज की नाव बहुत दिन नहीं चलती, झूठ बहुत दिन नहीं चलता, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूल में। आज जो देश के हालात हैं, देश कर्ज से डूबा जा रहा है, आज 2.5 लाख के करीब 2,62,000 रुपया हर पैदा होने वाले के ऊपर कर्ज है देश में। अब आप राशन बांट दें, आप बीज बना दें, आप ये कर दें, लेकिन कर्ज लेके बनाएंगे तो देश के लोगों हालत क्या होगी। हमको देश को कर्ज फ्री करना है और हर इंसान को रोजी रोटी से लगाना, ये काम ये जो सरकार है ना वो जो है डेवलपमेंट कर रही है ना ऊपर का कर रही है, पूरा समाज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कुछ लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है। समाजवादी पार्टी समाज के तमाम लोगों का डेवलपमेंट करना चाहती है। समाजवादी पार्टी इस देश के रिजर्वेशन को बचाना चाहती है जो गांधी जी ने दिया था। अबू भाई लाडला योजना तो सीएम ने आज अनाउंस किया कि अब 12वीं पास को 6,000, डिप्लोमा को 8,000 और ग्रेजुएशन वाले को 10,000 रुपये राज्य सरकार देगी और 1,500 का तो पहले ही लाडली बहना में उन्होंने अनाउंस किया है, उसका फॉर्म भरा जा रहा है। इस योजना को विधानसभा चुनाव के साथ कैसे देखते हैं और क्या इससे विकास होगा? क्या पहले कोई देता था योजना ना तो हमारे प्रधानमंत्री बोलते थे रेवड़ी बांट रहे हैं, तो जो दूसरे लोग दे रहे थे रेवड़ी बांट रहे हैं। हम तो समझते हैं चलो ठीक है इलेक्शन के बहाने कम से कम कुछ तो लोगों को मिल रहा है, लेकिन जनता जानती है हमारे यहाँ कि मरते वक्त तौबा कबूल नहीं होता, पहले करना चाहिए काम। अभी आप 3 महीना 2 महीना बाकी है, रेवड़ी बांट करके वोट देना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अब जो है ना लोग फंड के ऊपर नहीं, लोग आइडियालॉजी के ऊपर वोट देंगे। समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार के ऊपर क्यों स्टैंड नहीं लेती है? नहीं जब बिल्कुल दे देना चाहिए, बस जल्दी देना चाहिए महाराष्ट्र को विशेष दर्जा। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, यही रोजी रोटी खाते हैं, हम चाहते हैं, लेकिन ये लोग जो है ना प्याज का एक्सपोर्ट गुजरात से करते हैं, यहाँ से नहीं करते हैं। ये लोग सारे डेवलपमेंट गुजरात से जाते हैं, यहाँ नहीं करते हैं। मैं आदरणीय फडणवीस साहब की इज्जत करता हूँ, एकनाथ शिंदे साहब की इज्जत करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ आमचा महाराष्ट्र, पहले अपने महाराष्ट्र को देखो बाद में गुजरात को देखो। धन्यवाद धन्यवाद। अरे हो जाएगा हो विचार समाजवादी पार्टी किंवा इंडिया अलायन्स का उत्तर प्रदेश मध्ये जे समाजवादी पार्टी आणि इंडिया अलायन्सला जे यश मिळालेलं आहे त्याचा फायदा नक्कीच महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला भेटणार आहे असं मत आमचं आहे। म्हणून पहिल्या टप्प्यामध्ये आता 37 जे आमचे MP आहेत, समाजवादी पार्टी आज भारतात 3rd क्रमांकाची पार्टी झालेली आहे, ते MP जे येणार आहेत। PDAचा जो मेसेज सन्माननीय अखिलेश यादवजींनी देशाला दिलेला आहे की तर PDAचं जे आमचं जे स्ट्रॅटेजी आहे त्याला इथे इम्प्लिमेंट करण्यासाठी 37 MPs इथे पहिल्या टप्प्यात येणार आहेत आणि स्वतः आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादवजी 9 तारखेला मालेगावला येणार आहेत 9 ऑगस्टला। तर 9 ऑगस्टचा एक वैशिष्ट्य आहे, त्याच दिवशी
क्विट इंडिया मुवमेंटचा नारा देशाला मिळाला होता आणि आम्ही इथे सन्माननीय अबू आसिम हाजमी साहेब आहेत महाराष्ट्र प्रदेश जे आहेत त्यांनी एक संकल्प केलेला आहे की महाराष्ट्रामध्ये सांप्रदायिक ताकदांना आम्ही आता क्विट महाराष्ट्र असं स्लोगन देणार आहे. हे संदर्भामध्ये समाजवादी पार्टीचे जेवढे वरिष्ठ नेतृत्व आहे आमचे खासदार आहेत त्याचं आम्हाला असं वाटतं की भरपूर आमदारही येणार आहे आणि स्वतः अखिलेश यादवजी 9 तारखेला महाराष्ट्रात येणार आहेत. आणि जसं तुम्ही म्हणालात की दो लडकों की जोडी, तर अखिलेश यादवजी सक्रियपणे महाराष्ट्रामध्ये प्रचार करणार आहेत असा अबू आझमी साहेबांनी आम्ही मला माहिती दिलेली आहे. तर नक्कीच समाजवादी पार्टी PDA आणि आमची जी नीती आहे समाजवादी नीती आहे महाराष्ट्र समाजवादी आंदोलनाचं मूळ केंद्र होता आहे आजपर्यंत, तर त्याचा नक्कीच फायदा इंडिया अलायन्स आणि महाविकास आघाडीला होईल. 19 तारखेला घडलं त्याचं पहिलं रिएक्शन सन्माननीय अबू आसिम साहेबांनी दिलेलं आहे. पक्षांनी याची दखल घेऊन शासनात अजित सन्माननीय अजित पवार साहेबांना पण ते भेटले, पक्षाने CIDची इन्क्वायरी पण केली, मागितलेली आहे. आम्ही नॅशनल मायनॉरिटी कमिशनला पण लिहिणार आहे. जे काही पक्ष आहेत जे असं म्हणतात की आम्ही सर्व मुस्लिम समाजांना एकत्र आणणार आहे, मला असं वाटतं की मुस्लिम समाज एकत्र आहे आणि ते आपण दाखवलेलं आहे. इंडिया अलायन्सचे इलेक्शनमध्ये तुम्ही बघितलं असेल की समाज म्हणून एकत्र येऊन इंडिया अलायन्सला पाठिंबा मुस्लिम समाजाने दिलेला आहे. कोल्हापूरची जी घटना आहे अत्यंत निंदनीय आहे आणि मला असं वाटतं की अबू आझमी साहेब आता शासनाची बोलत आहेत, लगातार बोलत आहेत. आमचा एकच म्हणणं आहे की जे दोषी आहेत त्यांना अटक व्हावी, त्यांना जे सक्त कायदे आहेत टेरिझमचे मको का असो किंवा त्या कायद्यांमध्ये अटक व्हावी, कारण एक नरेटिव्ह आणि दुष्प्रचार महाराष्ट्राबद्दल करण्यासाठी एका संघटनाने आणि जे कट्टरपंथी त्यांनी हे केलेलं आहे हे फक्त मुस्लिम समाजाचं नुकसान नाही, हे महाराष्ट्राचं नुकसान आहे. तर जे काही करतील ते करतील 19 तारखेला, पण मला असं वाटतं मुस्लिम समाज एकत्र आहे. हा विषय आम्ही गंभीरपणे घेतलेला आहे, त्याचा पाठपुरावा करून संबंधित लोकांना दोषींना कारवाई करण्यासाठी शासनाला मजबूर करणाराच आम्ही आहे. आणि या संदर्भात सातत्याने मंथन पण चालू आहे, पाठपुरावा पण चालू आहे आणि याच्यामध्ये एक कठोर भूमिका आम्ही घेणार आहोत.